प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से किसानों की मांग के लिए बुधवार से हिंगनघाट के तहसील ऑफिस के सामने बैंक के खिलाफ बैलगाड़ी के ऊपर भूख हड़ताल शुरू है। हिंगनघाट तालुका और साथ ही जिले में कपास उत्पादकों ने बड़ी मात्रा में अपने कपास को CCI को बेच दिया है। इस समय किसानों ने अपना पैसा जमा करने के लिए CCI को अपना बचत खाता नंबर दिया है। हालांकि बैंक ने कई किसानों के ऋण खाते में यह राशि डाल दी है, परिणाम स्वरूप कपास उत्पादक बड़े वित्तीय संकट में है। इस संबंध में प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से गजूभाव कुबड़े ने जिलाधिकारी को भेजे गए एक निवेदन की, तब भी किसानों का पैसा बचत खाते में वापस नहीं किया गया। तब प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से गजूभाव कुबड़े इनके नेतृत्व में आज से तहसील कार्यालय के सामने बैंक के विरुद्ध में बैलगाड़ी के ऊपर आमरण उपोषण करना शुरू किया गया। आज माननीय गजूभाऊ कुबड़े यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय हिंगणघाट कार्यालय यांच्या समोर आज आमरण उपोषणाला इथं सुरुवात झालेली आहे। ज्या बँकेने ज्या पद्धतीने आपली हेकेकोरपणा चालू केला आणि आमच्या शेतकऱ्यांचे पैसे जे CCIला कापूस दिला ते शेतकऱ्यांचे पैसे कापसाचे चुकारे ते त्यांनी बचत खात्यामध्ये न करता त्यांनी कर्ज खात्यामध्ये वळते केले आणि आज आमच्या शेतकऱ्यावर सगळ्यात मोठं संकट हे त्यांचा पैसा त्यांना मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर ओढवलेला आहे। मी CCIला जो 27 क्विंटल 65 किलो कापूस विकला तो 5,775 या भावाने त्यांनी कापूस खरेदी केला। रजिस्ट्रेशनमध्ये त्यांनी बँक स्टेट बँक ऑफ हिंगणघाटचे रजिस्ट्रेशनमध्ये कागदपत्र मागितले। माझा पैसा माझ्या सांगितलेल्या बँकेवर न जमा करता त्यांनी बँक ऑफ इंडियाच्या कर्ज खात्यामध्ये संपूर्ण रक्कम वळती केली। जेव्हा मी मॅनेजरला म्हणायला गेलो का माझे पैसे माझ्या म्हणण्यानुसार पाठवले नाही। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।